सुप्रीम कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच और इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के ऑर्डर के खिलाफ सुनी इतिहाद कौंसिल की 2 पिटीशनें पेंडिंग थी और इसमें एक तीसरी पिटीशन हमारी प्रेसिडेंट वामिन मेंग पाकिस्तान कवल शाहजेब साहिबा की भी पिटीशन पेंडिंग थी। ये इलेक्शन कमीशन का वो ऑर्डर था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने वामिन और नॉन मुस्लिम की रिजर्व सीटें सुनी इतिहाद कौंसिल को रिफ्यूज़ कर दी थी और हमारी वो रिज़र्व सीटें जो 11 नॉन मुस्लिम की थी और 67 वामिन की सीट थी, ये टोटल 78 सीट्स दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर को, 1 मार्च के ऑर्डर को, 13 मार्च और 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपहोल्ड कर दिया था। इस एंटायर प्रोसेस में हम हमेशा यही कहते रहे कि हमारे साथ गैर आइनी और गैर कानूनी सलूक हुआ है और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आइनी था और लॉ में सस्टेनेबल नहीं था। हम थ्रू आउट ये कहते रहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आइन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हम यही कहते रहे कि ये 80 सीटें जो सुनी इतिहाद कौंसिल की थी, जो पीटीआई बे कैंडिडेट्स ने सुनी इतिहाद कौंसिल को ज्वाइन करके जिस पे सुनी इतिहाद कौंसिल का हक था, ये उनकी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च को ये सारे सीटें दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी, वो नेशनल असम्बली में भी और तीनों प्रोविंशियल असम्बली में भी, सिंध, पंजाब और KPK असम्बलीज में। पंजाब, सिंध और नेशनल असम्बली में वामिन और नॉन मुस्लिम ने ओथ उठाया था, जबकि हमारा यही स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करने दे। इसी वजह से KPK में रिजर्व सीटों पे वोट नहीं लिया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मौकिफ की ताईद है। हमने पहले मरतबा पहले दिन जिस वक्त नेशनल असम्बली का इजलास हुआ तो वोट उतारने से पहले हमने ये पॉइंट आउट कर लिया था कि सबसे पहले ये पार्लियामान उन लोगों से कंप्लीट हो जिनका ये हक बनता है। फिर सदर के इलेक्शन के वक्त भी हमने कहा कि ये जो साहिबान आए हैं जिन्होंने ओथ उठाया है रिजर्व सीट पे, लेकिन ये इंट्रूडर्स है इन द पार्लियामेंट, ये इंट्रूडर्स है इन द प्रोविंशियल असम्बली, लिहाजा ये वोट नहीं दे सकते जब तक ये फैसला ना हुआ हो, लिहाजा आप सदारती इलेक्शन ना करवाए, इन लोगों को वोट का हिस्सा ना दे। आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला कर लिया कि जो ये 78 सीटों पे आए हुए मेंबरान हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली में चाहे वो नेशनल असम्बली में, वो किसी वोट देने का किसी तरह हकदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। इस केस की फर्दर हेयरिंग इंशाअल्लाह 3 जून को होगी। हम पहले दिन से ये कहते चले आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की आ रहे थे कि इवन हमने जो पिटीशन फॉर्म 45 पे फाइल की है कि वो लोग जो इलेक्शन हार चुके थे कानून और आइन के मुताबिक, प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनके जैसे वोट काउंट किए थे, रिटर्निंग अफसरान ने आइन और कानून के मुताबिक जो अपने टैली की थी उसके मुताबिक अगर आप जमा कर लेते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली में 180 सीटें हैं
इंशाल्लाह ये 180 सीटें हमें मिलेगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को उठाया जिस तरीके से हमारे ये मौकफ एक्सेप्ट कर लिया। हमें अदलिया से एतमाद है, अदलिया पे एहतराम है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि बाकी भी केसेस ऐसे उठाए, आवाम की बुनियादी हकूक का तहफ्फुज़ करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से जो खान साहब के केसेस पेंडिंग है, जो हम सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल इस्तदा किए आ रहे हैं कि इनको भी आप उठा ले और कानून और इनके मुताबिक इस पर फैसले करें, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट अब इस पर इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द फैसला करेगी। देखिए जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है वो हम आपको बता चुके, एक बार फिर अफर्म करते एज वी स्पीक हमारी किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही और हमने कहा है कि अगर मुज़ाकरात हुई, किस पॉइंट पे हुई, कब हुई, किसके साथ हुई, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, ये आईनी नुक्ता था आर्टिकल 51 का और आर्टिकल 106 का और वोट का एक बुनियादी हक जो हमें मिलना था उसका एक ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, इंशाल्लाह ताला ये फाइनल भी फैसला होगा तो हमारे हक में होगा। देखे वो बिल्कुल सारे स्टेटस है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो पर्शन दिया वो प्रॉस्पेक्टिवली के लिए किया कि आइंदा ये वोट नहीं दे सकते, वो पुराने वाले वो नहीं खोले, लिहाजा वो बाद में देखा जाएगा लेकिन एस वी स्पीक फ्यूचर में ये लोग वोट नहीं कर सकते किसी भी किस्म की कानून साजी में, वोट का इनके पास कोई राइट नहीं है कुछ जो भी हो। कह रहे अब उनके पास आइनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी मौजूद नहीं है, अगर पहले वो हमारी सीटें ले लेते तो उनके पास अदरवाइज आ जाती, अभी हमारे पास ये सीटें आनी है या फॉर द टाइम बीइंग वो लोग अपने वोट कास्ट करने से रुक गए लिहाजा उनके पास वो राइट नहीं रहा। मैं एज अ पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौके भी यही रहा है, हम अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, यही रीज़न है कि जो जज साहिबान का लेटर आया है उसको भी विगोरसली हम करते हैं, हम जजेज़ में फ़र्क नहीं करते लेकिन आईनी तरमीम करके पहले से हम कहते चले आ रहे हैं कि एक पर्सन बेस्ड लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए, मच लेस कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें, हम इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी जज को उसके टेनेवर में एक्सटेंशन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। जो आर्टिकल 175A जो 18वीं तरमीम करके ये फैसले हो चुके थे और उसके बाद 21वीं तरमीम, ये मैटर आप वो नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, हमारा मौके पर एंटायर प्रोसेस में हम हमेशा यही कहते रहे कि हमारे साथ गैर आइनी और गैर कानूनी सलूक हुआ है और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आइनी था और लॉ में सस्टेनेबल नहीं था। हम थ्रू आउट ये कहते रहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आईन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हम यही कहते रहे कि ये 80 सीटें जो सुनी इतिहाद कौंसिल की थी, जो पीटीआई बे कैंडिडेट्स ने सुनी इतिहाद कौंसिल को ज्वाइन करके जिस पे सुनी इतिहाद कौंसिल का हक था ये उनकी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च को ये सारे सीटें दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी, वो नेशनल असम्बली में भी और तीनों प्रोविंशियल असम्बली में भी, सिंध, पंजाब और केपीके असम्बलीज में, पंजाब, सिंध और नेशनल असम्बली में वामन और नान मुस्लिम ने ओथ उठाया था, जबकि हमारा यही स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करने दे, इसी वजह से केपीके में रिजर्व सीटों पे वोट नहीं लिया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मौके की ताईद है, हमने पहले मरतबा पहले दिन जिस वक्त नेशनल असम्बली का इजलास हुआ तो वोट उतारने से पहले हमने ये पॉइंट आउट कर लिया था कि सबसे पहले ये पार्लियामान उन लोगों से कंप्लीट हो जिनका ये हक बनता है। देखे स्पीकर ओथ की बात नहीं है ना, उस वक्त जो हमने कहा था तो हम स्पीकर को एक राइट होता है, वो देख लेता है, डिसाइड करता है कि उसने अगर अपनी मर्जी से रिज़ाइन किया तो वो इसको एक्सेप्ट करता है। ओथ उन्होंने लिया है
जो MNA साहिबा ने वोट लिया है, लेकिन जिस ऑर्डर के बिना पे उन्होंने लिया है वो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च का है। इसलिए 1 मार्च का ऑर्डर टू दिस एक्सटेंड सस्पेंड हुआ कि वो अब आइंदा पार्लियामान में वोट में हिस्सा नहीं देंगे। सलमान राजा साहब अगर कुछ कहना चाहते हैं।